नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूटन एकेडमी बाय डीएस सर। तो अपन आज नीट से संबंधित बायोलॉजी की बातें करेंगे कि नीट में बायोलॉजी का जो लेवल है इस बार क्या रहने वाला है, या जो नीट के एस्पिरेंट हैं वो बायोलॉजी के पेपर को किस प्रकार से फेस करेंगे। आज सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, मेहनत ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त होनी चाहिए। जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम है ये बड़ा संघर्षफुल का टाइम है। ये टाइम आपसे संघर्ष मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपका वातावरण आपके साथ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या आपका पढ़ाई से जो लिंक है वो टूट चुका है। स्टूडेंट की 5 या 7 घंटे पढ़ाई हो रही है। जो स्टूडेंट 13 या 16 घंटे पढ़ता था, 15-15 घंटे पढ़ता था, वो आज 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रहा है। परेशान रहता है भाई, क्योंकि आपको पता, आप तो बायोलॉजी से हो, वातावरण बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है जब आपका एनवायरमेंटली आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इस चीज़ से आपको लड़ना है, क्योंकि एग्जाम तो ये चीज़ देखने वाला नहीं है कि वातावरण तेरे अनुकूल है या नहीं है, समझ रहा है? तो इस चीज़ से तेरे को लड़ना है, जूझना है, संघर्ष करना है। उसके बाद तेरे को पता है जिसका जितना बेहतरीन संघर्ष होता है उसका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन आता है। क्यों? इस बार एग्जाम 17 जुलाई को है। हर साल लगभग कोविड से पहले की मैं बात करूं तो मई में होता आया है, इस बार कहाँ होगा? जुलाई, 17 जुलाई आपको डेट है। अब देखिए, आज अपन बात करेंगे कि जो नीट का बच्चा है, कोटा का है, सीकर का है, जयपुर का है, या मैं कहूँ दिल्ली का है बच्चा, मेरे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं, सर हमारे अंदर डिप्रेशन छा गया, हमको मोटिवेट करो। भाई डिप्रेशन मत देख, तू तेरी मेहनत देख कि तूने साल भर जितनी मेहनत की है अब टाइम आ गया है उस मेहनत से आउटपुट निकालने का। क्योंकि इतने टाइम तूने केवल तेरे नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ज़्यादा तूने सब्जेक्ट को टाइम दिया है, अब टाइम आ गया, तूने जो मेहनत की है, तूने जो दही जमाया है, उस दही से अब क्रीम कैसे निकलेगा या बटर कैसे निकलेगा। अब वो बटर अगर लास्ट टाइम में मान लो सब काम सेट हो गया, लास्ट में मान लो वहाँ एनवायरमेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा, तेरे को पता है काम होता होता बिगड़ जाता है। अब तेरे को फिर भी उस चीज़ को बचा कर तेरा रिजल्ट लेके आना भाई, क्योंकि तेरे को डॉक्टर बनना है और तेरे को पता है डॉक्टर हर परिस्थिति का सामना करना जानता है, उसका पेशेंस होता है। अब देख, धैर्य बनाए रख, इस टाइम में लड़ते रहिए परिस्थितियों से, जुड़ते रहिए, बस संघर्ष करेंगे अपन मिलकर। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको किसी भी प्रकार का बायोलॉजी में कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कुछ भी समस्या है, बस तू कमेंट करना, एक बार बता देना सर मेरी ये समस्या है, मैं तेरे लिए वहीं पर तुरंत हाजिर हो जाऊँगा भाई, मैं तो तेरे लिए हूँ ना। लेकिन अब अलग बात है, तू मेहनत ही नहीं करना चाहता। सभी नीट स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, बेटा मेहनत कीजिए, ये टाइम वो टाइम है जिसमें आपको संघर्ष मांगती है, क्योंकि बिना संघर्ष के आपको सफलता नहीं मिलेगी। और इस बार जो मतलब पिछले साल से या उससे पिछले साल से पेपर आ रहा है, कोविड के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है, पेपर का लेवल क्या है बहुत बेसिक है। अब की बार जो पेपर रहने वाला है वो बेसिक तो होगा, बेसिक के साथ साथ में लॉजिकली पेपर होगा। क्या होगा? लॉजिकल पेपर होगा, बिल्कुल तेरे को लॉजिकली तैयार होकर जाना है। नीट 2022 में बैठने से पहले तेरी एनसीईआरटी कम से कम भी 15 से 20 बार तैयार हो जानी चाहिए। अब देख तू बायोलॉजी को कैसे फेस करेगा, दिखाता हूँ तेरे को सिनेरियो। अब देख, अब अपन यहाँ पे सिनेरियो सीखेंगे बायोलॉजी का। देख इधर, तेरे को बायोलॉजी को किस प्रकार से फेस करना है। तेरे को पता है तेरे बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी है, जूलॉजी है और बोटनी है, जिसको तू भूतनी बोलता है, जिससे तू डर डर के भगता है भाई। सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, फूल पत्तियों की दुनिया है और फूलों से डरा थोड़ी करते हैं, फूलों की तो खुशबू लिया करते हैं पास जाके। देख इधर, यहाँ पे तेरे क्वेश्चन आएंगे 50, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 50, दो हिस्सों में 35 15 35 15। ए पार्ट में कोई ऑप्शन नहीं, बी पार्ट तेरे को ऑप्शन मिलेगा, बी पार्ट में तेरे को अटैम्प्ट कितने हैं 10, यहाँ से तेरे को 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन तेरे को अटैम्प्ट करने हैं। टोटल अटैम्प्ट कितने करेगा तू? अटैम्प्ट करेगा 90 क्वेश्चन। कितने करेगा? 90 क्वेश्चन तेरे को अटैम्प्ट करना है। देख, बायोलॉजी में तेरे को बहुत अच्छा स्कोर करना है, शानदार। मेरे से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने पिछले साल भी स्कोर किया है, उससे पिछले साल भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब कोशिश ये है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सबका बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन स्कोर हो, क्योंकि मज़ा तब आएगा जब आप लोग मेहनत करोगे और आपकी मेहनत आपको एक भीड़ में से निकाल के लाएगी, एक डिफरेंस क्रिएट कर देगी, और उस डिफरेंस क्रिएट होते ही आप एक फ्यूचर डॉक्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? नीट सेलेक्ट होते ही आप फ्यूचर डॉक्टर, डॉक्टर बनने की पहले सीढ़ी को आप पार कर चुके होगे। और नीट के एग्जाम में बायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है,
जो कैटेगरी से स्टूडेंट है उनके लिए तो बायोलॉजी एक ब्रह्मास्त्र है, और लास्ट के दो महीने में तो बायोलॉजी को आप इस प्रकार से पढ़ना है कि जैसे एक ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना आपको। रोज आप जिस भी कोचिंग में टेस्ट दो, रोज नोट्स पढ़ो, रोज ट्यूशन करो। अब देख बायोलॉजी में तू कैसे फेस करेगा, इस ब्रह्मास्त्र को तेरे को यूज कैसे करना है। बायोलॉजी में कहता हूँ एक ब्रह्मास्त्र है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नीट में 90 क्वेश्चन, डायरेक्ट 360, डायरेक्ट 360 कैटेगरी के लिए तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई। जनरल के लिए ब्रह्मास्त्र है, ओबीसी के लिए ब्रह्मास्त्र है, वैसे बायोलॉजी है ही पूरा का पूरा एक ब्रह्मास्त्र। अब इस ब्रह्मास्त्र का आह्वान कैसे करेगा तू, इधर देख। सबसे पहले तू बड़ी बड़ी यूनिट, ये डिब्बा है, ये क्या है, एक डिब्बा है, इस डिब्बे को तेरे को भरना है। अगर तू इसमें छोटे छोटे पत्थर डालता गया, छोटे छोटे तूने पत्थर डाल दिए, और ऊपर से मान ले तेरे को बोल दिया जाए अब इसमें तू बड़ा पत्थर डाल, अब इसमें तू बड़ा सारा ये पत्थर डाल, भाई तू नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि डिब्बा पहले भर चुका है। अब देख तेरे को मेहनत कैसे करनी है। यही डिब्बा है, इसमें तू पहले बड़े बड़े पत्थर डाल, पहले क्या डाल, बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर डाल दिए बड़े बड़े, और ऊपर से लास्ट में क्या डाल दे भाई, इसमें जो छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर है ये डाल दे। सर आप तो हमें ये बताइए, इस बात का हमारे एग्जाम से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है कनेक्शन। ये जो बड़ा है ये तेरे लार्ज यूनिट है, बायोलॉजी की जो लार्ज यूनिट है, क्या है, लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट, और ये तेरे स्मॉल टॉपिक है, क्या है, स्मॉल टॉपिक है। सबसे पहले तो लार्ज यूनिट पे फोकस कर, उसके बाद जैसे जैसे तेरे को टाइम बचता है, कभी 10 मिनट मिले कभी 15 मिनट मिले, तो स्मॉल को फोकस कर। अब देख इधर आ, कैसे तेरे को तैयार करना है। सबसे पहले तेरे को जिस भी तू कोचिंग में जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से जुड़, तू जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है उस प्लेटफॉर्म से तूने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, उन नोट्स को पढ़ पहले, उन नोट्स को बढ़िया से पढ़। और पढ़ने का मतलब रीडिंग करना नहीं, रफ कॉपी लेके प्रॉपर मेहनत कर उसके ऊपर। रफ कॉपी रफ वर्क करेगा तू, क्या करेगा, रफ कार्य करेगा बिल्कुल प्रॉपर। ये स्टेप करने के बाद रोज जितना भी पढ़े, 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, उसके लास्ट में तू शॉर्ट नोट्स बनाएगा, क्या बनाएगा, शॉर्ट नोट्स। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा वेपन होते हैं, बहुत बड़ा वेपन होते हैं। अब आप इस वेपन को कैसे यूज करोगे, अपने रूम में लगा ले शॉर्ट नोट्स बना बना के, रोज उनका रिवाइज कर, रोज रिवाइज करेगा तो बायोलॉजी के जो तेरे एग्जाम्पल हैं, जो तेरे एक्सेप्शन अपवाद टाइप के क्वेश्चन है, वो तेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। तेरा क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तू चीते की तरह उसके ऊपर टूट पड़ेगा देखते ही। और देख बायोलॉजी में कभी भी पेपर अटैम्प्ट करने से पहले ऑप्शन मत देखना भाई, ऑप्शन केवल उस क्वेश्चन का देखना जिसमें डाउट हो, जिसमें लगभग सभी ऑप्शन बराबर हो। उससे पहले क्या करेगा, भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से तू ऑप्शन दबाता रहेगा और दूसरे से पढ़ेगा। पढ़ने के बाद तेरे दिमाग से पूछेगा कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा, दिमाग तेरे को उस चीज की बहुत अप्रोच करके लेके जाएगा। उसके बाद तू ऑप्शन देख टिक लगा, नेगेटिव मार्किंग रोकने का इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। अब देख बड़ी बड़ी यूनिट तेरे को तैयार करनी है। सबसे पहले बड़ी बड़ी देख तू यहां से लग, इकोलॉजी से लग, कहां से लग, इकोलॉजी पढ़ ले। और ये ऐसी यूनिट है, इसको पढ़ने के बाद छोड़ना मत, इसके शॉर्ट नोट्स को जब तक एग्जाम हो 10-20 बार रिवाइज करेगा, क्या करेगा, रिवाइज करेगा। और एनसीईआरटी से पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा, एनसीईआरटी, और 7 ईयर के पीवाईक्यू करेगा, इसके 7 ईयर के पीवाईक्यू कर लेगा। देख इधर, इसके बाद तू पढ़ेगा डायरेक्ट प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जो तेरी फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी को तू तैयार करेगा। और प्लांट फिजियोलॉजी तेरे को बुक से पढ़नी है, या मैं बोलूँ तेरे कोचिंग के जो भी नोट्स हैं उससे तेरे को पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर पूछता है। एनसीईआरटी से पढ़ेगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेगा, समझ में नहीं आएगी। फिर इसके भी 7 साल के क्वेश्चन लगा ले तू, 7 ईयर पीवाईक्यू लगा ले इसके भी। उसके बाद तू देख क्या पढ़ने वाला है, जेनेटिक्स पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा उसके बाद, जेनेटिक्स पढ़ेगा पूरी की पूरी। जेनेटिक्स में आपको तेरे को पता 2 प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल आता है और दूसरा जो प्रोसेस है उसका वो आता है। प्रोसेस को तू बोलता है मोलिकुलर बायोलॉजी, क्या बोलता है, मोल बायोलॉजी, मोल बायोलॉजी। अब देख प्रिंसिपल इनहेरिटेंस करने है, या इनहेरिटेंस का जो फिजिकल बेस है, डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब तेरे को कहाँ से करने हैं, नोट्स से, नोट्स से करेगा। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा। एनसीईआरटी नोट्स प्लस एनसीईआरटी, नोट्स प्लस
NCERT। अब देख इसके बाद क्या पढ़ेगा, इसके बाद तो देख डायरेक्ट बायोटेक ओनली NCERT। बायोटेक कहाँ से पढ़ेगा? NCERT से पढ़ेगा, बायोटेक भी हो गया। इसके बाद देख क्या मैं बोलूँ, डाइवर्सिटी भी तू ओनली NCERT, पूरी की पूरी डाइवर्सिटी, जिसमें तेरा क्लासिफिकेशन आ गया, प्लांट किंगडम आ गया और एनिमल किंगडम आ गया। ये बात हो गई डाइवर्सिटी की पूरी किससे पढ़ेगा? NCERT से। प्लस सात ईयर PYQ। अब देख इसके बाद तू अगला यूनिट पढ़ेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये यूनिट ऐसी है, इसको एग्जाम से अगर 5 से 7 बार तक पढ़ेगा ठीक है, इसको ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती। और इसको भी कहाँ से पढ़ेगा? तो नोट्स से। और उसके बाद NCERT पढ़ेगा। और वही बात, इसके 7 ईयर तेरे को PYQ करने हैं, 7 ईयर के तेरे को PYQ करना है। इसके बाद देखो सेल बायोलॉजी पढ़ेगा, ओनली NCERT सेल बायोलॉजी पढ़ेगा, जिसमें तेरा सेल डिवीजन भी आ गया। ओनली NCERT करेगा इसको, कहाँ से करेगा? NCERT टिश्यू NCERT। और जो तेरा अर्थवर्म फ्रॉग वगैरह है वो भी तू कहाँ से करेगा? NCERT से करेगा। ये बात हो गई। इसके बाद तू प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, इसको भी तू कहाँ से करने वाला है? NCERT से, हल्का फुल्का नोट्स से, NCERT प्लस नोट्स। जिस भी कोचिंग में भाई, जिसने तूने इतने टाइम जो भी मेहनत की है, जो भी तूने बना रखे हैं, वहाँ से पढ़ेगा इसको। अलग अलग बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। कभी इस कोचिंग का मॉड्यूल उठाया, कभी उस कोचिंग का मॉड्यूल उठाया, कभी सिलेक्ट नहीं होगे भाई। केवल नॉलेज हासिल हो सकता है, सिलेक्ट होना है तो आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास कर और वहीं पर तू मेहनत कर। इसके बाद बात हो गई ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी तू नोट्स प्लस NCERT, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से अप्रोच करता है, नोट्स प्लस NCERT। अब देख तेरा बचा क्या तेरा प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन है, या मैं बोल दूँ एनिमल ब्रीडिंग है, इसको तो ओनली NCERT ब्रीडिंग है, इसको NCERT कहाँ से करेगा? NCERT से करेगा। इसके बाद जो तेरा यूनिट बचा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ओनली NCERT से इसको तैयार करेगा। उसके बाद इवोल्यूशन है वो भी कहाँ से करेगा तू? NCERT से तैयार करेगा उसको भी। इवोल्यूशन भी कहाँ से तैयार करेगा? NCERT से तैयार करेगा। जो तेरा माइक्रोब्स वाला पोर्शन है ये भी तू कहाँ से करेगा? NCERT से करेगा। और NCERT को पढ़ना, इतना काम कर लिया, रोज टारगेट बना कि एक चैप्टर पढ़ना है। शुरुआत के 10 दिन छोटा टारगेट बना एक का, जैसे जैसे तेरा टारगेट पूरा होगा टाइम बढ़ाता जा, टॉपिक बढ़ाता जा कि अब मैं 2 टॉपिक पढ़ूंगा, 3 टॉपिक पढ़ूंगा। तेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं तेरे को रोक सके। बायोलॉजी में तू खुद बोलेगा कि मैं तो बायोलॉजी का मास्टर बन गया। क्या बनेगा? मास्टर। और रोज तेरे को चैप्टर पढ़ना है, अगला वाला चैप्टर पढ़े तो उससे पिछले के जो शॉर्ट नोट्स बने उनको रिवाइज करता रहेगा। ऐसे करते करते लगभग तेरे को 20 से 22 बार एग्जाम से पहले रिवीजन करना है। फिर देख एग्जाम वाली रात जब तू आंसर की मिलाएगा, उस दिन तू दुखी नहीं होगा, खुश होगा कि इस साल तो मुझे डॉक्टर बनने से को रोक ही नहीं सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की जो मुझे रोक पाए। बस भाई तेरे को रोज उठ के मेहनत करना है, सोने से पहले अपने विजन को क्लियर करना है, साथ में डायरी रख पास में, उसमें रोज के टारगेट लिख कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, शाम को मैच कर कि कौन सा हो गया, और एक डायरी और रख जिसमें एक्सेप्शन हो गए, अपवाद वगैरह हो गए, या ऐसी कोई बात हो गई जो तेरी याद नहीं हो रही, डायरेक्ट उसको याद कर भाई। अब समझने का टाइम नहीं है, सब कुछ समझ के एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ जा सकता। जो चीज़ समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही याद कर, क्योंकि भारत का जो शास्त्र है वो कहता है कि या तो पढ़ के समझ या फिर समझ के पढ़, बात एक ही है। यदि किसी चीज़ को तू बार बार पढ़ेगा अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप तेरा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा उस चीज़ को फेस करने में। बस रोज़ मेहनत कर,
डिप्रेशन हावी मत होने दे। अगर जैसे जैसे आपकी मेहनत होती रहेगी डिप्रेशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मिलते रहे अगले नेक्स्ट वीडियो में या जुड़े रहिए म्यूटोन एकेडमी बाई डी एस सर से। धन्यवाद।